हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने इस नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के तरफ से वोकेशनल कोर्स का एडमिशन चल रहा है, और इसमें ग्रेजुएशन में अगर आप वोकेशनल कोर्स के साथ एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे बीबीए के कोर्स में, बीसीए के कोर्स में, बायोटेक्नोलॉजी के कोर्स में, तो ऐसे तमाम सारे कोर्सेस में जो एडमिशन का प्रोसेस है वो यूनिवर्सिटी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में चल रहा था। और इसको लेकर के फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, सेकेंड मेरिट लिस्ट है, थर्ड मेरिट लिस्ट है, और थर्ड मेरिट लिस्ट का एडमिशन लेने का जो लास्ट डेट था वो आज तक था। इसके बाद जो बची हुई सीटी है, जो बची हुई जो सीट है, इस पर जो एडमिशन का प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है, जो स्टूडेंट्स अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किए थे वोकेशनल कोर्स के लिए वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स फॉर्म अप्लाई किए थे लेकिन किसी कारणवश से एडमिशन नहीं हो पाया है तो कैसे उनका एडमिशन होगा, तमाम सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में जाने वाले हैं। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के सारे इन्फॉर्मेटिव अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके। तो स्टार्ट करते इस वीडियो को। तो फिलहाल मैं हूँ पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे, और चलते हैं यहाँ से इसके एडमिशन पोर्टल पे, और मैं आपको लेकर के आता हूँ एडमिशन पोर्टल पे। ये इसका एडमिशन पोर्टल है, और एडमिशन पोर्टल पे कुछ इंपॉर्टेंट नोटिसेस हैं, और इसी नोटिसेस के दौर में यूजी वोकेशनल कोर्स के लिए, यानी बीबीए के लिए, बीसीए के लिए, बायोटेक्नोलॉजी के लिए, बायोकेमिस्ट्री के लिए, बैचलर इन ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट के लिए, माइक्रोबायोलॉजी के लिए, ऐसे कोर्सेस के लिए एक नोटिस जारी हुआ है, और ये नोटिस है रिगार्डिंग एडमिशन। इस नोटिस के अकॉर्डिंग क्या करना है चलिए समझते हैं। इस नोटिस में इधर साइड में डेट बताया गया और इधर साइड में बताया गया करना क्या है। इधर साइड के पहले कॉलम में बताया, देखिए जा रहा है, मैं पढ़ता हूँ, यहाँ पे बताया जा रहा है वैसे छात्र, खैर ये 5 से 7 सितंबर के बीच में पाटलिपुत्रा का एडमिशन पोर्टल एक बार फिर से ओपन किया गया। किसके लिए? वैसे स्टूडेंट के लिए जिन्होंने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया वो फॉर्म अप्लाई करेंगे, नंबर वन बात। दूसरी बात, जो फॉर्म अप्लाई किए लेकिन अगर किसी कारणवश एडमिशन नहीं हो पाया है तो आपको क्या करना है कि जो कॉलेज आपने पहले सेलेक्ट किया था फॉर्म अप्लाई करने के टाइम में उसको हटा दिया गया है, एक बार फिर से आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है। मतलब जो पहले से फॉर्म भर करके रखे लेकिन एडमिशन किसी कारणवश नहीं हो पाया तो ध्यान रखना है कि उनको एक बार फिर से कॉलेज सेलेक्ट करना है। ये दो काम करना है, कब से कब तक? 5 से 7 सितंबर के बीच में, यानी कल से यह प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, 5, 6, 7, 3 दिन। इसके बाद ये वाला प्रोसेस क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। इसके बाद 9 सितंबर को चौथा मेरिट लिस्ट आने वाला, जैसे अभी पहला मेरिट लिस्ट आया, दूसरा आया, तीसरा आया, सिमिलरली 9 सितंबर को चौथा मेरिट लिस्ट आने वाला है। तो जो भी सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, मतलब चाहे नए स्टूडेंट्स अप्लाई करें चाहे पुराने स्टूडेंट्स अपने चॉइस को डिलीट जो किया गया है उसको फिर से ऐड करें, सबका मेरिट लिस्ट कब आएगा? 9 सितंबर को आएगा। इसके बाद में महाविद्यालय द्वारा जारी कर दिया गया। इसके बाद में देखिएगा कि जो एडमिशन लेने का लास्ट डेट है वो 9 से लेकर के 11 सितंबर तक है, शाम के 4 बजे तक। तो इस तरीके से ये नया सिस्टम लॉन्च किया गया है, थर्ड लिस्ट आने के बाद में चौथा मेरिट लिस्ट, जिसके लिए मैंने आपको प्रोसेस बताया। और यही चीजें यहाँ पे, यही नंबर वन बात बता रहा है जो बॉक्स है, इसी के बारे में ये समझा रहा है कि जो स्टूडेंट्स पहले से अप्लाई करके रखे वो अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड से क्या करेंगे? लॉगिन करेंगे। तो आपको पता है ये एडमिशन पोर्टल है और यहाँ पे होता है एप्लीकेंट लॉगिन, और यही से लॉगिन आप करते हैं, और करने के बाद क्या करते हैं, आप अपना च्वाइस को फिर से एक बार बताते हैं। तो ये वाला काम आपको ध्यान रहेगा। आगे बढ़ते हैं उनके लिए, वैसे छात्र जो अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाया है वो फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी आप फॉर्म अप्लाई नया करते हैं या जो पहले से स्टूडेंट्स फॉर्म अप्लाई करके रखे हैं, जब आप अपना कॉलेज को ऐड करते हैं, मतलब कॉलेज का प्रेफरेंस को डालते हैं, क्योंकि सारे स्टूडेंट जो भी पहले से फॉर्म अप्लाई करके रखे हैं उनका जो महाविद्यालय चयन है, जो कॉलेज सिलेक्शन है, उसको डिलीट कर दिया गया है, एक बार फिर से आपको ऐड करना है। तो चाहे आप नए स्टूडेंट से नया फॉर्म अप्लाई कर रहे तो भी आपको कॉलेज का सिलेक्शन करना है, और चाहे पुराने स्टूडेंट्स जो फॉर्म अप्लाई किए थे उनको भी कॉलेज का सिलेक्शन करना है क्योंकि हटा दिया गया है। तो इस बात का पूरा पूरी ध्यान रखिएगा कि जहां पे सीट बचा रहे उसी कॉलेज को ऐड कीजिएगा। और ये जो एडमिशन पोर्टल है जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, इसी एडमिशन पोर्टल में एक ऑप्शन मिलता है सीट अवेलेबिलिटी का, यानी सीट चेक करने का, किस कॉलेज में कितना सीट है, आप यहां से चेक भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिग्री में आप सेलेक्ट कर, जैसे मानते मेरे को बीसीए का सीट देखना है तो मैं यहाँ पे बीसीए सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ सब्जेक्ट ग्रुप में कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, और मैं पटना डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज में चेक करना चाहता हूँ, 100 वाले बटन पे क्लिक किया, ये तमाम सारे कॉलेज का सीट दिखा दिया। जैसे एएन कॉलेज में 8 सीट बचा हुआ है, जैसे एएनएस कॉलेज में 30 सीट बचा हुआ है। मैं आपको रिकमेंडेशन ये करूंगा कि जिस कॉलेज में सीट बचा रहे उसी कॉलेज को ऐड कीजिएगा। जैसे एएन कॉलेज में मात्र 8 सीट है, यहाँ पे बहुत कम सीट है, तो इसको ऐड एक नंबर पे नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जिस कॉलेज को आप एक नंबर पे ऐड कीजिएगा अगर वो आपको मिल जाएगा तो बदलने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए कॉलेज सोच समझ के दीजिएगा, वैसा वैसा कॉलेज में दीजिएगा जहां जहां पे कह रहे सीट खाली रहे।
जैसे देख सकते हैं रामकृष्ण द्वारिका नगर में कितना सीट खाली है, 39 सीट खाली है, तो आप सीट के हिसाब से कॉलेज को ऐड कीजिएगा। तो यही सारा आपको काम करना है। और इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखिएगा इसके बाद में ये जो इस तरीके का जो सिस्टम है इसमें यहाँ पे देखिए बताया गया, हमेशा से इस बात को बताया गया कि आप थोड़ा सा सीट देख करके ही काम कीजिएगा। अगर सीट नहीं रहे तो इसको सेलेक्ट करने के लिए क्या होगा, सेलेक्ट करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो ये बात इसमें बताया गया। और एक बार आपका 9 सितंबर को जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जो कॉलेज आपको मिल जाएगा चौथा राउंड में, इसके बाद एडमिशन लेने का लास्ट डेट क्या है, 11 सितंबर तक है। इसके बाद वैलिडेशन होगा। और अगर ये सारा प्रोसेस आप नहीं करते हैं सही तरीके से और अगर आपका एडमिशन नहीं हो पाता है तो फिर यूनिवर्सिटी इसको लेकर के कुछ नहीं कर सकती है। और ये नोटिस आज ही जारी हुआ है, ये DSW सर AK नाग सर का है। और ये नोटिस के अकॉर्डिंग जो भी सारा बात था मैंने आपको बताया। इन शॉर्ट एक बार मैं फिर से पॉइंट्स को समझाता हूँ। पहली बात पॉइंट क्या है कि 5 से 7 सितंबर के बीच में कौन कौन क्या कर सकता है, तो जो पहले से फॉर्म अप्लाई करके रखा है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं अप्लाइड, जो पहले से फॉर्म अप्लाई करके रखा है वो क्या करेगा, कॉलेज का सिलेक्शन फिर से करेगा, क्योंकि जो कॉलेज सिलेक्शन है उसको डिलीट कर दिया गया है। और कॉलेज सिलेक्शन में ध्यान रखना है, जिस कॉलेज में सीट बचा रहे उसी कॉलेज का आप सिलेक्शन कीजिएगा, तो कॉलेज सिलेक्शन फिर से करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। दूसरा बात क्या है, जो पहले से अप्लाई करके फॉर्म नहीं रखे वो क्या कर सकते हैं, न्यू फॉर्म भी भर सकते हैं। तो न्यू फॉर्म अगर आपको अप्लाई करना है तो ये वाला भी आप काम कर सकते हैं। और जो पहले से अप्लाई करके रखे हैं हर हालत उनका क्या करना है, कॉलेज का सिलेक्शन एक बार फिर से करना है। और किसी का भी किसी भी प्रकार का मिस्टेक रहे तो वो करेक्शन भी कर सकते हैं, करेक्शन करने के लिए भी विंडो क्या है, ओपन है। तो इस तरीके से फटाफट प्रोसेस कीजिए। बाकी किसी भी कॉलेज में आपको एडमिशन न रहे, किसी भी पेपर BCA BPA बायोटेक्नोलॉजी जिस भी पेपर में आपको एडमिशन न रहे, और अगर आपको एडमिशन लेने में कठिनाई हो रहा है या फिर अगर आपको किसी कॉलेज में सीट नहीं बच रहा है, कम बच रहा है, आपको डायरेक्ट एडमिशन न रहे, तो आप क्या कर सकते हैं, हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर 9065179925 पे, और कर सकते हैं कि घर बैठे आप क्या कर सकते हैं, जिस कॉलेज में चाहे उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो यूजफुल रहा होगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। सो मच, थैंक यू।